नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे मसल्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स और न्यूरोलॉजिकल पेन पर बहुत अच्छा काम करती है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि मस्कुलर पेन क्या होता है या न्यूरोलॉजिकल पेन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कुछ घरेलू उपाय जो इस पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, मींस इनका प्रिवेंशन क्या हो सकता है और फाइनली इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल पेन क्या होता है। एक्चुअली जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के बोन्स, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट्स, मसल्स, इन सब में यदि पेन होता है तो उसे मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं। और ये पेन किसी भी कारण से हमारे शरीर में हो सकता है, या तो कोई चोट लगी है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या इन्फ्लेमेशन हुआ है, या फिर कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भी ये पेन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन में पेशेंट को पेन के साथ स्टिफनेस बनी रहती है और पेशेंट को बाइटे या क्रैम या हम स्पाज़म जिनको बोलते हैं उसकी भी शिकायत हो सकती है। और पेशेंट को जिस हिस्से में, शरीर के जिस हिस्से में तकलीफ होती है वहां की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और जिस हिस्से में तकलीफ होती है कभी कभी वहां की मसल्स, लिगामेंट और बोन वीक भी हो सकती है। यदि पेशेंट को इंजरी के कारण पेन हो रहा है तो वहां पे उसको सोनेस फील होगी, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रेडनेस मिल सकती है। और पेशेंट को एक सिम्टम और बहुत मार्क देखा गया है कि पेशेंट को उस मूवमेंट करने से, चलने फिरने से वो तकलीफ बढ़ जाती है और उस खास हिस्से की मसल में कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। और एक सेंसेशन और मार्क होता है कि पेशेंट को अपनी मसल्स फटीग मीन्स थकी हुई फील होती है। अब हम न्यूरोलॉजिकल पेन के बारे में बात करेंगे। यह पेन पेशेंट को तब होता है जब किसी भी कारण से, चाहे वो इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो गई हो, कोई डिसऑर्डर हो गया हो, कोई चोट लग गई हो, उसके कारण उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। और नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण उसका ये वाला सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता और पेशेंट को या तो पूरी बॉडी में या किसी पर्टिकुलर हिस्से में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस पेन को हम न्यूरोलॉजिकल पेन कहते हैं। यदि अब मैं न्यूरोलॉजिकल पेन के कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें सेंसेशन बहुत मार्क्ड होते हैं, मींस पेशेंट को या तो टिंगलिंग सेंसेशन होगा या सुनपन फील होगा उस हिस्से में, या कभी कभी वहां का सेंसेशन लॉस भी हो जाता है और पेशेंट को बर्निंग भी फील होती है उस पर्टिकुलर हिस्से में। और ये भी देखा गया है कि पेशेंट का जो पेन का कैरेक्टर होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटरमिटेंट पेन का कैरेक्टर उसमें ज्यादा मिलता है और पेशेंट रेडिएट करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो नर्व के पाथ पे या नर्व के रूट पे चलता है। और इंटरमिटेंट मतलब ये होता है कि पेशेंट का पेन रुक रुक के आता है। और यदि मैं पेशेंट के कैरेक्टर, मतलब पेन के कैरेक्टर की यदि बात करूं तो उसको चुभता हुआ, स्टैबिंग पेन, जैसे किसी ने कट लगा दिया है, कटिंग पेन, ऐसे फील होता है। इसमें पेशेंट की पर्टिकुलर पार्ट की नर्व और मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं और नर्व डैमेज होने के कारण उसका जो कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा पुअरली वर्क करने लगता है। अब मैं यहाँ आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल पेन में क्या मेनली हमको कैरेक्टर मिलते हैं और न्यूरोलॉजिकल पेन में मेनली कैरेक्टर क्या मिलते हैं। मीन्स यदि आपकी बॉडी में इस तरह का पेन आता है तो आप इन सिम्टम के बेस पर आप डिफरेंशिएट कर सके कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है कि न्यूरोलॉजिकल पेन है। यहां मैं आपसे मोटा मोटा डिस्कस करूं तो मस्कुलर पेन में जो पेन का कैरेक्टर होता है वो डल होता है, कंटिन्यूस होता है और उसमें पेशेंट को सोरनेस फील होती है। और न्यूरोलॉजिकल पेन में पेशेंट को शूटिंग और कटिंग पेन होता है। मस्कुलर पेन में पेशेंट को थकान और फटीगनेस बहुत ज्यादा फील होती है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल पेन में पेशेंट को टिंगलिंग फील होगी, टिंगलिंग मीन झुनझुनी महसूस होगी, सुनपन महसूस होगा और लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है। और फिर मस्कुलर पेन में क्या होता है, ये ज्यादातर लोकलाइज्ड देखने को मिलता है, मतलब शरीर के किसी एक हिस्से में ही देखने को मिलेगा और इसके रीजन क्रोनिक और एक्यूट दोनों हो सकते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिकल पेन में ये जो पेन होता है ये रेडिएटिंग होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करता है और कैरेक्टर में इंटरमिटेंट भी होता है और इसका ज्यादातर कॉज क्रोनिक ही देखा गया है।
और यदि मैं फिर से मस्कुलोस्केलेटल पेन की बात करूं तो इसमें जो अफेक्टेड एरिया होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और पर्टिकुलर हिस्से के मसल्स और टेंडन्स वीक हो जाते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिकल पेन में हमारे शरीर की फाइन मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और मेनली इसका लोकेशन नर्व एंडिंग देखा गया है, जैसे कि कॉसिक्स ले लीजिए या हमारे ये नेल की नर्व एंडिंग ले लीजिए, यहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब हम यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है हाइपेरिकम। जब किसी भी कारण से नर्व डैमेज हो जाती है, उसमें चोट लग जाती है या कोई ऑपरेशन के बाद नर्व में पेन होता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है दोस्तों। और स्पेशली जब नर्व के एंडिंग में कोई तकलीफ होती है और बहुत अनबियरेबल पेन होता है, नर्व एंडिंग मतलब नेल्स हो सकते हैं, टोज हो सकते हैं, फिंगर्स हो सकती हैं या कॉसिक्स हो सकता है, यदि इन लोकेशंस पे बहुत टेरिबल पेन हो रहा है तो हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। और इस टाइम के जो सेंसेशन होते हैं पेशेंट के, वो सुनपन हो सकता है, टिंगलिंग आ सकती है, बर्निंग हो सकती है और पेशेंट को बहुत ही रेडिएटिंग टाइप का पेन इसमें होता है, तब यदि ये पूरे करेक्टर यदि मिलते हैं तो हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन है कॉस्टिकम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में या नर्व में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी मसल फट जाएगी, उसको लेटते वक्त या बैठे वक्त भी कभी कभी मसल्स के स्पाज़म आने लगते हैं पैर में या क्रैम्प आने लगते हैं, उसको हिंदी भाषा में बाइटे भी बोलते हैं, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। और कभी कभी पेशेंट में जब शियाटिका का पेन उठ जाता है तो भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो पेशेंट की जो उस हिस्से की मसल्स वीक फील होती है, उसको लगता है इस हिस्से में ताकत नहीं बची है, तो यदि ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब इसमें नंबर तीन पर है मेटफॉस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का जो पेन का कैरेक्टर होता है स्पाज्मोटिक होता है, और यह मेडिसिन भी क्रैम्प पे अच्छा काम करती है। शियाटिका का पे भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है और उस तरह के पेन पे अच्छा काम करती है जहां पे पेशेंट को सिकाई से आराम मिलता है और पेशेंट के सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल वाले सिम्टम से मैच करते हैं, जैसे वो रेडिएटिंग होगा, सुनपन फील होगा, पेशेंट को टिंगलिंग फील होगी, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, इस तरह के सिम्टम्स यदि आ रहे हैं तो मेटफॉस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में मैं एक और मेडिसिन का नाम लेना चाहूंगी, दस्ट्रॉक्स। दोस्तों जब आप बहुत थके हो, आपकी मसल फटीक हो रही है, आपने दिन भर बहुत एक्सर्शन किया है, तब इस जो मेडिसिन का है ये बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। इसमें मेनली मसल की फटीगनेस के लिए ये मेडिसिन दी जाती है और आप रात को सोए हैं और सुबह उठ के मसल्स में आपको स्टिफनेस फील हो रही है, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। मींस रस्टॉक्स को आपको तब देना है जब मस्कुलर पेन पेशेंट को बना हुआ है। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को मसल्स में, टेंडन में या लिगामेंट में कोई तकलीफ हो रही है या इंजरी के बाद उसको सोनेस बनी हुई है, उसको पेन हो रहा है, उसको सुबह उठते से या फिर चेयर पे से उठते से उसको ऐसा फील होता है कि उसके पैरों में जान ही नहीं बची है, तो यह मेडिसिन तब बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। मींस आपको ऐसी कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे कि आपका मस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल पेन आपको शुरू हो जाए या वो बढ़ जाए। इसमें नंबर वन पे ये करना है कि आप अपने दिन भर के रूटीन में यदि कोई रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी हर्ट हो रही है तो उसे अवॉइड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हर्ट करने से वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। इसमें नंबर टू पे यह है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहना चाहिए, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की आदत डालते रहना चाहिए, उससे मसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी लचीली रहती है, उससे पेन नहीं आता है। नंबर तीन, आपको अपनी बॉडी में विटामिन सी और विटामिन बी 12 की कमी नहीं होना देना चाहिए, उसकी कमी से हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल पेन होना शुरू हो जाता है। कई लोग अपने दिन भर की लाइफस्टाइल में गुड पोस्चर को मेंटेन नहीं रखते हैं, मींस प्रॉपरली उठते बैठते या चलते नहीं है, तो उसके कारण भी पेशेंट को पेन होने लगता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए।
और लास्ट जो है कि पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसका जो लिफ्टिंग का तरीका है, लिफ्टिंग टेक्निक है कि सामान को उठाने की, वो एकदम सही होना चाहिए। यदि प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक होगा तो भी पेशेंट को पेन नहीं होगा इस तरह का। यहाँ पर अब मैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करूंगी जिससे कि आप पेन की फर्स्ट स्टेज में ही उस पेन को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नंबर वन पे है कि यदि पेशेंट को स्टिफनेस हो रही है, पेशेंट को जोड़ों का दर्द है, कोई पुराना क्रोनिक जोड़ों का दर्द है, तो आप गर्म सिकाई ले सकते हैं। और कमर में भी स्टिफनेस है और वही पुराना कोई दर्द हो रहा है तो भी आप गर्म सिकाई ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई एक्यूट इंजरी हुई है, उसके कारण यदि कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको आइस पैक्स की सिकाई लेनी है। पर ध्यान रहे यदि ओपन वुंड है, यदि खुला वुंड है, तो वहां पे आपको आइस पैक्स की सिकाई नहीं लेनी है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कभी ऐसे ही बैठे रहते हैं या रात में लेटे रहते हैं तो पैरों में क्रैम्प आते हैं या बाइटे आते हैं। उस कंडीशन में आपको आइस पैक्स की यदि आप सिकाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और यदि मान लीजिए किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो भी आइस पैक्स की सिकाई से बहुत आराम मिलता है। और एक चीज और, यदि किसी को कोल्ड की एलर्जी है या किसी को डायबिटीज है या फिर किसी को वेडिकोज वेन है, तो उस टाइम पे आपको आइस पैक्स की या कोल्ड की सिकाई अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके पेन को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।